जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी बस, 36 लोगों की मौत। हादसे में अब तक 19 लोगों के घायल होने की आई खबर, 6 की स्थिति बेहद गंभीर। सड़क से फिसल गई थी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पटना में कबाड़ी गोदाम में आग, आग की चपेट में एक घर भी आया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, पूरे इलाके में अफरा तफरी। उत्तरकाशी में सुरंग हादसे को लेकर मजदूरों का भड़का गुस्सा, घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन। सुरंग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे मजदूर और उनके परिवार वाले, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूर, हादसे के 5वें दिन भी रेस्क्यू चल रहा है, कोई खबर नहीं। मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है खाना और पानी, बीती रात 2 मजदूरों ने की थी उल्टी और सरदर्द की शिकायत। मंगलवार को मंगाई गई ड्रिल मशीन खराब हो गई, नई मशीन मंगाई गई। राहत और बचाव के लिए हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन हेलीपैड पहुंची, मशीनों को जोड़ने का काम इस समय चल रहा है। प्रशासन के अनुसार रेस्क्यू की समय सीमा बताना संभव नहीं, स्टील पाइप के द्वारा अंदर जाने का प्रयास। टनल में फंसे हैं श्रावस्ती के 6 मजदूर, अपनों की घर वापसी की राह देख रहे हैं परिजन। मुजफ्फरपुर में कोहरे के कारण 3 गाड़ियों की टक्कर हुई, कई लोग घायल हो गए। जूनागढ़ में मुख्य बाजार में चोरों ने दुकान के सीसीटीवी को ही चोरी कर लिया। आईजीएल गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण ब्लास्ट के कारण लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वाशिम का जनरल स्टोर जलकर खाक हुआ, लाखों का नुकसान। रोहतास जिले के सूर्यपुर में पूरा दिन दहाड़े पूर्व मुखिया प्रत्याशी के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। बस्ती में ओम प्रकाश राजभर को गाली देने से रोकने पर दबंगे ने युवक पर हमला कर दिया, युवक की मौत। शामली में अश्लील तस्वीर को लेकर मिल रही धमकी के कारण नाबालिग ने जान से मार डाला, जमानत पर आने के बाद परेशान था। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे पीएम मोदी, खूंटी के उलिहातू में बिरसा मुंडा का जन्मस्थल है। पीएम के गांव का दौरा करने वाले पहले पीएम परिवार के लोगों से मिले। पीएम ने खूंटी में रैली को संबोधित किया, 2014 से पहले बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से थी वंचित, बोले। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर। पीएम मोदी ने जनजातीय समुदाय के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया, विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। झारखंड दौरे पर आए पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा संग्रहालय का भी दौरा किया। आज बिरसा मुंडा की जयंती, संसद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत सभी सांसदों ने बिरसा मुंडा को नमन किया। 8 करोड़ किसानों के खातों में 15वीं किश्त, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, चुनाव से 2 दिन पहले किश्त जारी करने के लिए क्यों। दिवाली पर अमेठी के लोगों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गांधी परिवार के घर वापसी की जागी उम्मीद, राहुल और प्रियंका की तरफ से भेजे गए उपहार। गांव गांव जाकर कार्यकर्ता बांट रहे हैं राहुल और प्रियंका की तरफ से भेजे गए उपहार, राजनीतिक हलचल तेज। गांधी परिवार का सिंधिया के विरुद्ध सीधा वार, कहा कद में छोटे हैं लेकिन अहंकार में बड़े हैं। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था कहते हैं दीदी की हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो से हड़कंप, दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। 100 और 500 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा वीडियो अलग थलग पड़ गए नरेंद्र सिंह तोमर।
दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी में गुटबाजी का परिणाम अंदरूनी विपक्ष की साजिश। दिल्ली सरकार बनाम चीफ सेक्रेटरी विवाद गहराया, केजरीवाल ने विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी की रिपोर्ट एलजी को भेजी। रिपोर्ट के अनुसार चीफ सेक्रेटरी को तुरंत पद से हटाने और सस्पेंड करने की केजरीवाल ने की सिफारिश। केजरीवाल का आदेश, की रिपोर्ट सीबीआई ईडी को भी भेजी जाए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू पर आरोप, पार्टी में राबड़ी देवी से अधिक योग्य लोग, लेकिन अपनी पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री। लालू का पलटवार, गाय भैंस कटवाना नित्यानंद राय का बिजनेस, कहा राबड़ी देवी को सीएम नहीं बनाता तो क्या उनकी बीवी को बनाता। छठ पूजा, बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़, डीडीयू जंक्शन पहुंची पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का बुरा हाल। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने छठ तैयारियों का निरीक्षण किया, 100 से ज्यादा जगह पर हो रहा है आयोजन, कुल 1000 जगहों पर होगा आयोजन। यूपी के भदोही में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर भिड़ंत, पुलिस ने 59 पर एफआईआर दर्ज की, 17 को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक की मौत, 12 से अधिक लोग घायल। कोचबिहार में बस लॉरी की टक्कर, 5 घायल, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। सरहिंद रेलवे स्टेशन पर छठ पर बिहार जाने वालों की भारी भीड़, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सहरसा के लिए स्पेशल ट्रेन, लेकिन जमकर हंगामा। ट्रेन कैंसिल होने पर स्टेशन पर मौजूद अन्य ट्रेनों पर यात्रियों ने बरसाए पत्थर, यात्रियों के गुस्से को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए आरपीएफ के जवान। रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद की प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, इससे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वालों की भीड़ कम होगी। छठ पर बिहार जाने वालों की उमड़ी भीड़, ट्रक में बैठकर सफर करने को मजबूर लोग। मुंबई में छठ के लिए घर रवाना होने की होड़, बिहार जाने वालों की ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की 103 वर्ष पूरे अकाल तख्त साहिब पर अखंड पाठ। मथुरा के विश्राम घाट पर स्थित यमुना जी और धर्मराज के मंदिर में पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कानपुर में जेल में भाई दूज के दिन बड़ी संख्या में पहुंची बहनें, विशेष इंतजाम किए गए। पंच में स्थानीय महिलाओं ने अलग अलग ढंग से भाई दूज का त्यौहार मनाया, सेना के जवानों को लगाया तिलक। बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आज से पर्यटकों के लिए खुला, बरसात में 6 महीने के लिए बंद रहता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल का महामुकाबला, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। झांसी के क्रिकेट प्रेमी मंदिर पहुंचे, भारत की जीत के लिए दुआ की। सूर्य कुमार के दादा विक्रम यादव बोले, आज भारत ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंचेगा। करनाल में दुआओं प्रार्थनाओं का दौर, बच्चों ने गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा का पाठ किया। जम्मू में सीआरपीएफ जवानों ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं, जीत का विश्वास व्यक्त किया। सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम में देख रहे हैं मैच। जर्मन फुटबॉलर थॉमस मुलर ने विराट कोहली को टी शर्ट के लिए कहा धन्यवाद, टीम इंडिया को दी बधाई। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर की यज्ञशाला में पूजा अर्चना, टीम इंडिया की जीत के लिए मंत्रोच्चार। मदुरई में रोटरी क्लब की तरफ से पूजा, सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में देर रात लगी भीषण आग, खबर मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची। फैक्ट्री के अंदर से लगातार आ रही थी धमाकों की आवाजें, पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली कराया। फैक्ट्री में एक पैराशूट गुब्बारा गिरने से लगी आग, देखते ही देखते आग के लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में पटाखा बाजार के पास से कुरकुरे बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।
हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, फैक्ट्री में रखा लाखों का माल खाक। थाने के भिवंडी में आशिया माता कंपाउंड में आग, कच्चा धागा बनाती है कंपनी। आग से पूरा गोदाम खाक, चार गाड़ियां भी मौके पर मौजूद। कुरुक्षेत्र में आवारा पशुओं की वजह से दो गाड़ियों की टक्कर, पांच की मौत। सिरसा में रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम पर बैठे, साथी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रोहतक रोडवेज कर्मचारियों ने किया अनिश्चितकाल के लिए चक्का जाम, बस डिपो से नहीं निकली एक भी बस। फिर प्रदूषण की चपेट में है दिल्ली। दिल्ली में एक्यूआई 400 को पार कर गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जगह जगह पानी की बौछार की जा रही है। छठ से पहले यमुना का हाल बेहाल, कालिंदी कुंज पर झागी झाग। महाराष्ट्र में प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन में अधिकारी, आतिशबाजी को लेकर 784 मामले दर्ज। मुंबई में 278 कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नोटिस, प्रदूषण को लेकर बीएमसी ने नोटिस दिया। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने युवा अकाली कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा, कमलनाथ और राहुल अपनी कुर्सी से 4 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री धामी ने 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सवाईमाधोपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आशा मीणा को निष्कासित करने पर 101 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। पुलवामा में एनआईए ने 2 लोगों की 8 प्रॉपर्टी जब्त की, 2018 में पुलिसकर्मियों पर इन लोगों ने की थी फायरिंग। दिग्विजय सिंह और मधुसूदन गढ़ राज परिवार के बीच बड़ी दरार, सिंधिया को लेकर मनमुटाव। दिग्विजय सिंह ने अपने भतीजे रुद्रदेव सिंह को कहा गद्दार, सिंधिया के खेमे में जा निकालो। हाई प्रोफाइल सीट बुधनी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा को नोटिस, साड़ी बांटने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल साड़ी बांटने का वीडियो, लिखित में मांगा गया जवाब। बेंगलुरु में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, जेडीएस के कार्यालय की दीवारों पर बिजली चोर वाले पोस्टर। बंद हो गए बाबा केदार के कपाट, विधि विधान से पूजा। बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना, 18 नवंबर को पहुंचेगी ओंकारेश्वर मंदिर। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया अन्नकूट, श्री जानकी बल्लभ मंदिर में लगाया गया भोग। पुडुचेरी में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी ही पानी। तमिलनाडु में भारी बारिश से स्कूल कॉलेज बंद। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा का निधन, मुंबई में 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कई दिनों से बीमार चल रहे थे सहारा श्री, पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा।